नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज के युग में डिजिटल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है युवाओं पर, तो इसी को लेकर के आज हम बात करने निकले हैं पटना के युवा से। तो आइए बात करते हैं, तो आज के दौर में जो युवा हैं उन पर डिजिटल मीडिया का कैसा और कितना प्रभाव पड़ रहा है ये बताइए। मेरे हिसाब से तो डिजिटल मीडिया का जितना फ़ायदा है उससे ज़्यादा नुकसान है। ज़्यादातर लोग अभी हम लोग पार्क में देखेंगे तो स्नैपचैट पे बिजी हैं और स्नैप बनाने में बिजी है, दोस्तों को दिखावा करने में ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर फ़ायदा है कि एडटेक इंडस्ट्री में जो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है उसके लिए, हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है एडटेक इंडस्ट्री में जो रिवॉल्यूशन आया है। सस्ते कोर्सेज मिल रहे हैं, सब चीज़ों के लिए फ़ायदा है। ये जान के क्या करेगा युवा, ये बताइए इससे क्या बेनिफिट है। अगर सोनू के बारे में, आप लोग मीडिया के कर्मी हैं, अगर सोनू के बारे में हम लोग जान के ही क्या करेंगे, जान के हम क्या सिस्टम को चेंज कर सकते हैं? नेवर, कभी नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? सबका अपना, मोदी जी का जो काम है वो काम करेंगे, नीतीश बाबू का जो सबका एक पोर्टफोलियो बना है, प्रोपोगंडा है सबका, किसी का चुनाव जीतने का नहीं। अब एक बात बताइए, जो मेन मुद्दा है उसको भटकाया जाता है, एक्सट्रीम है। जैसे कि अभी मेन मुद्दा क्या होना चाहिए, ए बउआ, अभी मेन मुद्दा क्या होना चाहिए, अभी बेरोजगारी होना चाहिए। अभी देखिए कितना बेरोजगार युवा, अभी अगर पढ़ाई लिखाई का रहता तो इतना बेरोजगार युवा नहीं घूमता। मेरा भाई है, अभी रेंजर में 2 साल से, इसको फॉरेस्टर में 2 साल से, इसको कितना साल से फॉर्म भर के वेट में, 2 साल से ऊपर में। अब इसका जो है खामियाजा कौन भरेगा, जबकि इसका सारा चीज़ हो गया है, मेडिकल भी हो गया है, अब कब ज्वाइन करवाएगा उसका कोई गारंटी नहीं। डिजिटल मीडिया का जिस तरह सदुपयोग होना चाहिए उस तरह सदुपयोग हो नहीं पा रहा, इंसान मिसयूज़ कर रहा। आज डिजिटल मीडिया को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए बजाय इसका मिसयूज़ करने का। आज फेसबुक है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, यूट्यूब के ज़रिए आप इनकम कर सकते हैं। अगर आप उस पर, आप जो चीज़ सीखना है आप सीख सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए, जो कोर्स सीखना आप, एक A to Z कोर्स यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, आप किसी भी कोर्स को आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, उस पर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, मैं खुद यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ।